अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो न्यू अपडेट है यूट्यूब में आई हुई हैंडल के नाम से, यूट्यूब का हैंडल ये कि होता क्या है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी से ऑन कर दें, ताकि इस तरह के की वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें और आप यूट्यूब के बारे में सीख सकें और अर्निंग के बारे में भी सीख सकें और अर्निंग कर सकें। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो ये जो यूट्यूब का हैंडल है, इसका बेसिकली मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, हैंडल की अपडेट आई हुई है यूट्यूब में, ठीक है। अब हैंडल क्या चीज़ है? हैंडल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या होता है? एक यूनिक होता है, जो कि हर पर्सन का जो है वो सेम नहीं हो पाता। नेम उनके सेम होते हैं, जैसे मेरा अभी चैनल का नाम है टेक ट्यूब, ठीक है, और दूसरा भी कोई टेक ट्यूब रख सकता है, तीसरा भी कोई टेक ट्यूब रख सकता है, पांचवा भी कोई टेक ट्यूब रख सकता है, ठीक है। पर यूज़र नेम जो होंगे वो होंगे, मसलन मेरा आ गया छोटी अल्फ़ाबेट में टेक ट्यूब, ठीक है। अब कोई और जो यूज़र नेम रखेगा एट द रेट जैसे होता है, ठीक है, तो वो रखेगा टेक ट्यूब रखेगा, तो उसके पास आ जाएगा कि ये पहले से यूज़र एग्जिस्ट करता है, आपने अपना यूज़र नेम चेंज रखना है। उसको बाद में कोई डिजिट्स यूज़ करने पड़ेंगे या कोई एक दो अल्फ़ाबेट और यूज़ करने पड़ेंगे। मैं आपको सिंपली इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर आ जाता हूँ। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, मसलन ये मेरे पास सामने एक सेलेना गोम्स की आईडी है, ठीक है। सेलेना गोम्स की ये जो ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे ब्लू टिक है, सेलेना गोम्स इकट्ठे लिखा हुआ है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं। ये इसका बेसिकली क्या है? एक यूज़र नेम है। अब इस यूज़र नेम से इसकी ही सिर्फ आईडी होगी और किसी की भी आईडी नहीं होगी यहाँ पर। और सेलेना गोम्स यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, ये उसका नेम है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको ट्विटर पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर भी समझा दें। अब यहाँ पे ट्विटर में हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रोफाइल में हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नीचे एट द रेट और ये नाम लिखा हुआ है। इसमें जो है नाम जो है लिखा हुआ एट द रेट के बाद ये है इसका यूज़र नेम, ऊपर जो लिखा हुआ ये है नाम। तो ये जैसे एट द रेट नीचे लिखा हुआ है, इसी तरीके के मतलब आपको एक यूट्यूब का हैंडल मिल दिया जाएगा जिसमें आपको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। और एक यूज़र नेम के मल्टीपल आईडी या चैनल्स वगैरह नहीं होंगे, मतलब हैंडल जो है बेसिकली एक यूज़र नेम है जो कि एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक चैनल को। अल्लाह हाफिज़।